हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 27 अक्टूबर, तो आज है भाई दूज। तो भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बस बज रहे हैं 7:30 और गाड़ी चली गई है सर्विसिंग के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी लगानी पड़ती है गाड़ी, तभी टाइम पे मिलती है। तो बस मेरे भी एक दो काम है अभी देहरादून करने के लिए, तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। तो जाएंगे तो फिर बताएंगे। तो अभी सारा सामान ना यहीं रख दिया है पीछे ही, क्योंकि ऊपर एक बार ले जाऊंगी फिर नीचे लेके आऊंगी, तो इससे अच्छा यहीं पे रख दिया मैंने अभी सामान। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। मामा बना रहे हैं चाय, तो पहले पीते हैं चाय फिर करते हैं आगे की प्रोसेस शुरू। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे मामा बना रहे हैं चाय। दिखाओ तो कैसे बना रहे हो आप? क्यों बना रहे हो चाय? नहीं बनाता भाई, थोड़ा क्यों बना कम रहे टाइम हो था। सुबह सुबह की चाय चाय? में स्पेशल जिंजर पाउडर है। चाय में स्पेशल जिंजर पाउडर है। एक्चुअली इससे क्या होगा कि आजकल जो एलर्जी वगैरह हो रही है उसका इससे ना फायदा होता है। इसको चाय में डालने से जिंजर पाउडर को मिलता नहीं है वैसे तो। तो ये जिंजर पाउडर ही मामा डाल रहे हैं, इससे एलर्जी नहीं होती है, कि जैसे जुकाम खांसी वगैरह ना जुकाम खांसी नहीं होती है, तो ये अच्छी उसमें, चीज़ है। हाँ लेकिन ये गर्म भी होता है ना। गर्म होता था। तो मामा बना रहे हैं यहाँ पे चाय सुबह की, क्योंकि मामी जी, मामा ही बनाता है चाय सुबह की। क्योंकि मामी जी उड़ती नहीं है तब तक, जब तक चाय नहीं जब तक मिलती। मामी को चाय और चाय और पानी गर्म और पानी, उसकी थायराइड की दवाई, वो तीन चीज एक प्लेट में नहीं चल जाती मेरे द्वारा, तब तक मामी उठती नहीं है। चाय नौ ही बज जाए। तो ऐसे ही आजकल हम ऐसे ही आजकल पत्नी के पति पत्नी है पत्नी वर्ता पति है हम, और निक्किया रखी है। तो इसके लिए भी आज स्पेशल टी बनाई मैंने। स्पेशल ये देखो, ये जिंजर पाउडर है, ये डाल के ये बहुत अच्छा होता है, जिसको शायद सौंठ का पाउडर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है एलर्जी वगैरह नहीं होती, चाय भी टेस्टी बनती है। सब डाला करो। ठीक छे, नमस्कार। और चाय के साथ साथ मामा का चल रहा है मैच। कौन सा मैच है ये? कप का है? कौन सा सन का? ये पुराने मैच मेरे को अच्छे तो ये लगते हैं। ये पुराने मैच देख रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ श्रीलंका का मैच, ये आ गया कुछ और। तो गाड़ी जा रही है अभी सर्विसिंग के लिए। तो यहाँ पे बन रही है पूरी, और ये स्टैंड निकाला हुआ है मामी ने, इस पे बनेगी पूरी। और ये हो रहा है तेल गरम पूरी के लिए। और यहाँ पे बन रही है ये ककोड़े की सब्जी, मतलब मीठे करेले की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। वैसे तो हाथ से ही हो जाती है ना। सही बनी इसमें ऐसे करने की यहाँ पे। इसको हम खाई लेते हैं फटाफट, बिल्कुल हमारे यहाँ जिंदाबाद। रेडी हो चुका है ब्रेकफास्ट पूरी, और ये दो चटनियाँ हैं एप्पल की और एक पता नहीं किस चीज़ की है, और ये है मीठे करेले की सब्जी। तो ये है नाना जी की फोटो। तो नाना जी पिछले साल ही एक्सपायर हुए थे। तो ये
मैडम अभी तक उठी नहीं है, कितना बज रहा है टाइम बताओ पहले? 11 बज गए हैं और ये अभी तक ऐसी बैठी हुई है और तकिए पे रख रखा है ये पेठे का डिब्बा और ये खाया जा रहा है 10 बजे से। 1 घंटे में इसने ये पूरा डब्बा साफ कर दिया। कब उठोगे भाई तुम? सर दर्द हो रहा है, उठो। और आज भाई दूज भी है तो हमने अभी भाई दूज की भी कोई तैयारी नहीं की है क्योंकि ये तो उठ नहीं रही है अभी। वो अभी उठा है, वो अभी बाथरूम में 1 घंटे से बैठा हुआ, वो बाहर ही नहीं आ रहा है। अब आया है वो, 12 को नहा के गया ना वहाँ कहाँ धूप में बैठने के लिए। और हमें तभी गाड़ी की सर्विस करवाने जा रखे हैं, वो 7:30 बजे चले गए थे और अभी तक आए नहीं है। और मैंने, मामी ने तो नाश्ता कर दिया हम दोनों ने, और बाकी किसी ने नाश्ता नहीं किया है। तो सबका वेट हो रहा है कि कब कब आएंगे, कब खाएंगे। तो चलिए फिर जो जो होता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी आगे। और अपना फेस दिखाइए पहले। मुंह नहीं धो रखा है ना इसने तब से, और बिना ब्रश किए हुए डब्बा साफ। तो मेरा भाई दूज इस बारी रहा स्वरित के साथ क्योंकि भाई अभी घर पे है। तो अगर मतलब भाई भी होता तब भी हम सब साथ में करते भाई दूज। तो वो कल आएगा अभी घर से, तो अगर वो आ भी जाता तो हम सबने इकट्ठा ही होना था, सबने एक साथ ही करना था भाई दूज। तो मेरी भगवान से यही दुआ है कि भगवान सबके भाइयों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे हमेशा, और तरक्की दे इनको। और हर साल सारी बहनें ऐसे ही रक्षाबंधन, भाई दूज सब करती रहें। तो सुबह जल्दीबाजी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या लेके दूं, तो मैं एक नारियल और एक चॉकलेट लेके आई हूँ स्वरित के लिए। वैसे दिया तो नारियल ही जाता है लेकिन इसके साथ एक रुमाल भी दिया जाता है, तो रुमाल मिला नहीं यहाँ पे सुबह सुबह। तो अभी स्वरित मुझे दे रहा था पैसे लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि बहुत ही छोटा है ये अभी, मामी जी अभी बहुत छोटा है वो तो अभी। क्यूट तरीके से बोला ना कि मेरे पैसे नहीं है दीदी, पापा के पैसे ले लो। लुटा रहे हो, फिर मैंने भी रख दिए, फोटो में ले रहा था साथ साथ वीडियो के साथ साथ ही। तो हम निकले हैं अभी घर से दीदी के घर के लिए, संगीता दीदी के घर जा रहे हैं हम भैया दूज के लिए। क्योंकि मैं ऑफिस में गई थी तो आज डीएम ने एक ऑफ और दे रखा है, तो वहाँ पे छुट्टी है वो बंद हो रखा है। तो सोचा कि दीदी के घर ही चले जाएं क्योंकि उनकी कॉल आई थी सुबह कि तुम लोग निकले हो हल्द्वानी के लिए कि नहीं, तो हमने मना किया तो उन्होंने कहा कि इधर ही आ जाओ तुम भाई दूज के लिए। तो बस अभी हम रास्ते में ही हैं अभी, तो जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 बज गए हैं अभी और मुहूर्त है भाई दूज का 1:30 बजे तक का, तो देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं वहां पे। तो अभी मैं हूँ तहसील चौक के पास और यहाँ से ना यादें ताज़ा हो जाती हैं कि मार्केट यही है रास्ता हम लोगों का, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर रखी है हम लोगों ने। तो ये पल्टन मार्केट का रास्ता है यहाँ से अंदर को, और ये हम पहुँच चुके हैं घोसी गली के पास। तो ये सर्वे चौक पे ना अभी कुछ मॉडर्न दून लाइब्रेरी करके अभी नया बना हुआ है, ये पहले नहीं था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कैप्चर किया जाए इस चीज़ को। तो शायद पहले भी रही होगी ये लाइब्रेरी, मतलब जब तक हमारा आना जाना था तब तक नहीं थी ये लाइब्रेरी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इसलिए बोला मैंने कि पहले नहीं थी। तो ये हो चुका है राजपुर रोड का एरिया स्टार्ट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी लोगों के घर पे और यहाँ पे दीदी कर रही है तैयारी भाई दूज करने की। पैर नहीं छुए दीदी के, आराम से जूता रहेगा। आज कितने बजे तक था भैया दूज?
डेढ़ बजे तक था, दो बज गए अब तो। ये सब ना पंडितों का हाँ वही तो, कभी कभी बिना मुहूर्त के भी होती हैं चीजें, मन साफ होना चाहिए। और क्या, हमने तो कल सुबह ही कर दिया था। हाँ कुछ ने, बहुत सारों ने कल सुबह कर दिया। फोटो तो दीने देखो, हमारे आने से पहले लंच रेडी करके रखा हुआ है, राजमा चावल, गोभी की सब्जी और रायता। तो ये है दीदी का सिलाई सेंटर जो उन्होंने घर में ही खोला हुआ है। तो दीदी यहाँ पे सिलाई भी करती हैं और अपने घर के काम भी देखती हैं यहीं पे से। और दीदी हर टाइप के सूट ब्लाउज़ सिलती हैं, जो भी डिज़ाइनर वगैरह सब कुछ सिलती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दीदी का ये सेटअप देख के। तो मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ दीदी से इस सेटअप को देखने के बाद, कि अगर मन में इच्छा हो ना कुछ करने की, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो दीदी अच्छी खासी इनकम कर लेती हैं यहाँ पे से, और घर भी अच्छे से देख लेती हैं। तो बस यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हम, बातों ही बातों में लग गए और शूट का ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तो अभी निकल चुके हैं हम घर की तरफ को, और काफ़ी जाम लगा हुआ है, ये देखिए देहरादून का जाम शाम के टाइम पे। तो मेरा भाई दूज आज ऐसा रहा, आप लोगों का कैसा रहा भाई दूज कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम आ चुके हैं दीदी लोगों के घर से भैया दूज करके। कितना हो रहा टाइम अभी, 5:30, पौने छह हो गए हैं। और अभी आए हैं हम क्योंकि काफी जाम था रोड में। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड मैं आज का यहीं पे करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का भैया दूज कैसे रहा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।